हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाह, आज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है तू। पूरा बोल, मैं चोर। हाँ हूँ मैं चोर, लाखों करोड़ों लड़कों का दिल चुराया है इस बूढ़ी ने। खुश। हाय हाय जिंसू। हेलो हेलो कंगना मैम। I'm very good. Hello Divya ma'am. Hi. So good to meet you all. पता है मैं actually आपका welcome बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन एक situation आ गई है। वो मेरे hotel में, ये मेरा hotel है Chill Palace, चोर घुसा आया है। चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें customer कोई आता ही नहीं है। Sir, आप मेरी मदद कर दीजिए। 5-10 रुपए से ज़्यादा नहीं करना, बस। मुझसे पंगे मत लो कप्पू, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ, okay? छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें। जिस भी देवी देवता को मानती है उस पर हाथ रखे कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा। दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो। उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती हो माय गॉड, दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया। दीदी मैं ये फालतू बातें कर रहा है, हमारा तो खानदानी तबेला है, दादाजी के 12-12 भैंसे थी। सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही है इधर। आ गई है मेरे आती कबू, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो। कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ, और कितनी करूँ रिस्पेक्ट में। कपूर शर्मा, मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न की दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं। देखो टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा। इतनी फुटेज ले जाते हैं ना ये, इनको पता है डायलॉग तो हमारे कट सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए। नॉर्मली एपिसोड वो कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता है ना, बड़ी वाली माली वाली कैंची लेता है। खड़ा किस चीज को लेके शुरू हो गए? मैंने गाइस आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का, एंड इट इज सो अमेजिंग, इतना मजा आया देख के। और मैम आपका वो डायलॉग, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, दैट्स माय फेवरेट लाइन। अपना वाला सुना कि बालों से जुए अलग करना बिजनेस है मेरा। मेरे को बोलती रहती मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा, बहुत अब आई है सामने बोलना। बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, वो Seriously? सच है। आपकी लाइफ इन मेट्रो आई थी ना, उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई, पता है। कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है, दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है, तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है। फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में, कुछ करोगे तुम? अरे चोर चोर चोरी ही है, चलिए ये पकड़ो ना तुमको। हेलो गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? चंदू तुम? और क्या, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा? ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की? दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ, ब्रेड पिट। ओए सुनो, खड़े होके तेरे को पता, बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी, कंबल बिछा इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा ये, धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ, पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपू शर्मा भूरी बीच में मत बोलना, अभी कैसे मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्या जी आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया है। मकान तेरे से बन नहीं रहा क्या? ये आपको पता फुटपाथ पे सोता है, मेट्रो का काम चल रहा है ना, आगे बोर्ड लगा रहा था ना, काम चालू है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। और जा यार। तो कपू शर्मा, चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ कपू शर्मा प्लीज गैस से बात करना। अर्जुन सर आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यू नो व्हाई? व्हाई? मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर, जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश,
तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? कोई चोरी नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया, तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू अमाउंट भर लो। अरे यार सामान उठाने की क्या जरूरत थी, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते हो, तुमसे क्या मांगता मैं? कंगना जी आपको पता है मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते मेरे को जहर जैसी लगती है ये। घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको कंगना जी, इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं? यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा मेरी। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई रामलाल जैसा है वो बहुत बड़ी बात है, अर्जुन रामपाल जैसा आ जाए तो सोच समझ के बात किया करो। मेरे पैसे वापस करो वरना। वरना क्या 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 कर लोगे तुम, बोलो क्या कर लोगे? विल यू मैरी मी प्लीज? प्लीज बोलिए। इस वेले से करूंगा शादी, इस वेले से। हाँ जी मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में एमडी लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ। हाँ लग रही हो, बुरी मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेले फॉर ईच अदर। और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं, देख लो ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है, नेपोटिज्म हो रहा है कंगना। ये है सही वाला ऑफर, बड़े आते हैं इसको, दुकानों पे लिखा होता ना बाय वन गेट वन फ्री, जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख ली ऐसे इसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। और खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर, इतने जिंदूस हैं ये, केले के पत्तों के सर इन्होंने बेडशीट बनाई उस पे सोते हैं, और रीजन पता क्या देते हैं? सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा जुबान भी मैं संभालू, शो भी मैं संभालू। क्या क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना। क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालू। उसके बाद क्या कहा? मैं कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखा मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है, लेकिन मानता नहीं है ये। इतना ठंडा आदमी है यार, जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना, बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट, सारे लोग पैकअप के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। ओ वन टेक आर्टिस्ट, जवाब दो ना, बोलो ना क्या बोला बीच में, बोलो बीच में। जू बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं, लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या? कौन से फैंस? मैं फैंस नहीं, वो जो 4-5 तेरे रिश्तेदार है, फैंस फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है, इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना उसका तो खुद एक पर है बेचारा, ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ जब वो घूमता ना ऐसे लगता है इनको लानते देके बाहर निकाल रहा है, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से। बुरी मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं 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 हम तो सेंसस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया। People don't catch my humor, what to do? इसको लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते आपने लड़का देख लिया, कहते हमने तो चलो आज ही देखना है, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.